हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं स्विट्जरलैंड में हूँ एक खास वजह से, एक खास असाइनमेंट पर रिपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ पर एक ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसे होस्ट स्विट्जरलैंड कर रहा है यूक्रेन के बिहाफ पर, क्योंकि ये रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर उसका समाधान आखिर क्या निकाला जाए उस पर चर्चाएं जारी हैं। मेरे पीछे ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं, बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और ये हैशटैग लिखा हुआ है पाथ टू पीट, ये पाथ टू पीस यानी कि शांति की ओर जाता हुआ रास्ता, आखिर उसका निर्माण कैसे हो उस पर मत्थापच्ची करने के लिए कुल मिलाकर 101 यहाँ पर डेलीगेशंस मौजूद हैं, जिनमें 57 हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, और बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल लेवल पर, जैसे तुर्की के विदेश मंत्री आ रखे हैं यहाँ पर, सऊदी अरब से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कुछ देश है जहाँ से सिर्फ कूटनीतिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें भारत शामिल है। तो भारत से जो हमारे सेक्रेटरी वेस्ट हैं एम्बेसडर पवन कपूर, वो इनफैक्ट इसराइल में और रूस में, दोनों में ही भारत के राजदूत रह चुके हैं और काफ़ी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हैं, वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि एक ऐसे कमरे में जहाँ रूस को न्योता नहीं भेजा गया हो और रूस प्राइमरी स्टेक होल्डर हो, वहां पर इंडिया और रशिया के स्ट्रॉन्ग टाइज के मद्देनजर भारत आए उनकी गैर मौजूदगी में। देखिए ये आवाज, ये हेलीकॉप्टर की आवाज आप सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ लगातार सर्वेलेंस के लिए हवाई उड़ान और हवाई जो है यहाँ पर सुरक्षा मेंटेन करने के लिए बर्कनस्टॉक में रिकॉनेसों हो रहे हैं। ये काफ़ी हाइट पर है एक्चुअली। हम स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूसन से ट्रेन लेकर स्टैंस तक पहुँचे थे, और स्टैंस से जो ऑफिशियल मीडिया शटल्स हैं सिर्फ उन्हीं के ज़रिए हम लोगों के पास में बैचेस दिए गए हैं, क्योंकि हम अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स हैं, तो जो अधिकारी हैं या जिन जर्नलिस्ट्स को अक्रेडिटेशन मिला है सिर्फ उन्हीं को जो है इजाज़त थी इन ऑफिशियल मीडिया शटल्स के ज़रिए ऊपर तक यहाँ पर हमको लाया गया। यहाँ अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी आई हुई हैं, जो बाइडेन नहीं आए हैं, वो G7 में ज़रूर गए हुए थे, और कमला हैरिस भी प्रेस को जो है कुछ अपनी इनिशियल स्टेटमेंट्स देंगी। Russia's aggression is also an attack on international rules and norms and the principles embodied in the UN Charter. Russia is a permanent member of the United Nations Security Council. Nevertheless, for nearly 2.5 years, it has shamelessly violated the core tenets of that charter. If the world fails to respond when an aggressor invades its neighbor, other aggressors will undoubtedly become emboldened. It leads to the potential of a war of conquest. आज जबकि ऑफिशियल इस ओपनिंग हुई है इस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें 3 प्लेनरी सेशंस हैं जिस पर चर्चाएं होंगी की मुद्दों पर। एक, परमाणु सुरक्षा को लेकर बहुत चिंताएं जताई जा रही हैं कि अगर ये युद्ध रुकता नहीं है और ऊपर से एस्केलेट हो रहा है, क्योंकि रशिया एक न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर है, ज़ाफ्रिजिया में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके इम्प्लिकेशन सिर्फ यूरोप के लिए नहीं होंगे, पूरी दुनिया भर के लिए होंगे। दूसरा, जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है, याद हो कि दुनिया भर में फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस पर बात हो रही है, जो सप्लाई चेन्स हैं जिनके ज़रिए फूड ग्रेन्स की सप्लाई होती हैं दूसरे देशों को, उन पर इसके असर की बात हो रही है। To ensure the effectiveness of such principles. These are globally important principles, not regional. हालांकि भारत को एक तरीके से इसमें एडवांटेज ये मिला है कि भारत ने थोड़े से सस्ते दामों में रूस से काफ़ी ज़्यादा तेल की खरीदारी की है इस दौरान, जिसे लेकर क्रिटिसिज्म भी होती है भारत की, लेकिन इसी ऑयल को भारत अपने यहाँ रिफाइन करके वापस से अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बेचता है। जो देश, आपको याद दिला दूँ मैं, दरअसल रूस से ऑयल खरीदने के खिलाफ हैं, क्योंकि जब ये युद्ध की शुरुआत हुई तो सबसे पहले अमेरिका और यूरोप ने काफ़ी सारे जो हैं कड़े आर्थिक सैंक्शंस और प्रतिबंध लगा दिए रूस के ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों और टॉप एंटिटीज़ पर। तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में काफ़ी ऐसे रूस के बिजनेस इलीट्स हैं,
जिनको हम ओलिगार्क्स कहते हैं, जिनके पुतिन के साथ नज़दीकी संबंध हैं, उन बहुत सारे स्विट्ज़रलैंड में क्रिप्टो सर्विसेज, एसेट सर्विसेज हैं जिनके ज़रिए यहाँ पर बिजनेस का नियंत्रण होता है, यहाँ पर उनके पैसे इन्वेस्टेड हैं, कभी यॉट्स के ज़रिए तो कभी किसी और अकाउंट के ज़रिए। स्विट्ज़रलैंड पर सवाल खड़े हुए हैं कि आप अपने आप को न्यूट्रल पेयर ज़रूर कहते हैं, आपकी न्यूट्रलिटी जो है वो आपके विदेश नीति में एक सेंट्रल प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल है, और इसीलिए आप मध्यस्थता करते हैं काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में। लेकिन जिन इकोनॉमिक सैंक्शंस को लागू किया गया है यूएस लेड वेस्ट की तरफ से, यूरोप की तरफ से, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है स्विट्ज़रलैंड, क्या स्विट्ज़रलैंड इज़ अ क्रैक इन द ग्लास कि उनकी वजह से जो है ये एप्लीकेशन नहीं हो पा रहे हैं? तो एक तरीके से जो फनलिंग, टनलिंग ऑफ मनी है इनटू द वॉर, वो नहीं रुक रही है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने इन सैंक्शंस को, जो 12th ईयू पैकेजेस सैंक्शंस के हुए थे, उनको लागू किया है, दो इट इज़ नॉट ईयू मेंबर। इसको लेकर रूस ने कहा कि भाई आप कैसे न्यूट्रल मेंबर हैं, और रूस को तो न्योता ही नहीं भेजा गया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो इन सबके मद्देनज़र सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये एक फ्रैक्चर समिट है, क्या इस समिट में बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो गायब हैं? चीन नहीं है, क्योंकि चीन रूस के साथ पूरी स्ट्रांगली अलाइंड है। इनफैक्ट चीन ने कोशिश की कि काफ़ी सारे देशों को फ़ोन करके कहें कि आप भी जो है इसमें शिरकत ना करें हाई लेवल पर या अपने जूनियर लेवल पर आए। देखिए, ब्राज़ील जो कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास है, ब्राज़ील भी इसमें एज अ स्टेक होल्डर, एज अ डायलॉग पार्टनर शामिल नहीं हो रहा, ओनली एज एन ऑब्जर्वर, एज अ पर्यवेक्षक के तौर पर ब्राज़ील के ऑनवॉय यहाँ पर मौजूद हैं। तो कमरे में जो एक तरीके से कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के बड़े प्लेयर्स का ना होना, ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि यूएस लेड वेस्ट का सपोर्ट तो है यूक्रेन को, लेकिन ये मैसेजिंग कैसे जाए कि उसके बियॉन्ड के जो देश हैं, जो या तो मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं, जो फेंस सिटर्स हैं, वो भी यूक्रेन का साथ दे रही हैं। भारत ने अभी तक, याद हो कि इस युद्ध का पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म नहीं किया है खुलेआम। हाँ, जब SCO शिखर वार्ता हुई थी उज़्बेकिस्तान में, उस दौरान नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ मुलाकात में ये ज़रूर कहा था कि टुडेज़ ईरा इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर, और बाद में इस लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट किया गया था G20 के डिक्लेरेशन में, उसके घोषणा पत्र में। लेकिन खुलेआम जो है भारत ने इसकी कड़ी निंदा नहीं की है इस युद्ध की। तो देखना होगा कि आखिर क्या आउटकम्स निकल पाते हैं। बहुत ज्यादा मूड अपबीट नहीं है यहां इस वेन्यू में, इस मीडिया हॉल में, जहाँ पर काफ़ी फॉरेन प्रेस भी मौजूद हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत ही लो की रहेंगे एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जब मेन वॉरिंग स्टेक होल्डर ही नहीं है कमरे में, तो आप अकेले क्या ही बात कर लोगे? आप वो प्रिजनर्स के स्वाप के बारे में भी नहीं बात कर सकते हो, जो बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़े हुए हैं यूक्रेन रूस में, अलग मुल्कों में फंसे हुए हैं, उनके आप स्वाप को लेकर भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो ज़रूरी होगा कि भाई रूस का कोई नुमाइंदा इस कमरे में मौजूद हो। तो फाइनली आउटकम क्या निकलता है, एक जॉइंट डिक्लेरेशन की उम्मीद ज़रूर है रविवार, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करवाऊंगी। लेकिन जाते जाते आपको थोड़े से मैं बर्गनस्टॉक के नज़ारों के साथ छोड़ जाती हूँ, इस खूबसूरत जगह की तस्वीरों के साथ में, जहाँ पर निश्चित रूप से मुमकिन नहीं हो पाता है आम लोगों के लिए आ पाना, और उम्मीद यही होगी कि इन खूबसूरत नज़ारों से जैसे कोई कम से कम एक शुरुआत हो, ताकि शांति कायम भले ही ना हो इस वक्त, लेकिन उस बाबत जो है कोई कदम उठाए जा सके, क्योंकि एक तरफ इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जारी है और रूस यूक्रेन वॉर आज लगभग 52 महीने हो चुके हैं फरवरी 2022 से जिसकी शुरुआत हुई थी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत अलग अलग तरीके के हैं आज दुनिया भर में, अफगानिस्तान में हो, वो क्लाइमेट क्राइसिस हो, तो ऐसे में युद्ध की जो है हमें ज़रूरत नहीं है। ये युद्ध कैसे ख़त्म होंगे, इनकी ख़त्म करने के लिए लीडरशिप आखिर सही में नेतृत्व कौन कर पाएगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। हु विल बी द वॉइस टू निगोशिएट पीस? तो आप जुड़े रहिए मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर, और बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया कॉन्टेंट डालूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।